Good morning, students. This is your computer class, and today I will teach you lesson 2, memory and storage. So children, in this chapter we'll study about memory, computer memory, how it stores data and instructions for future use. Also we will study about CD, DVD, Blu-ray disc and flash drives that are most popular secondary storage devices, and also we will study about computer memory. The computer memory is of two types, primary and secondary memory. In this chapter we will study about hard disk, Blu-ray disc, flash disk. So these are the devices for computer memory and storage device. So let's read the chapter. Man has got a wonderful gift from God, which is the ability to think. Though a computer cannot think on its own, yet it has superseded man because of its huge storage capacity. So children, just like man, computer has also ability to what? Store the data. अभी जैसे हम लोगों के माइंड में कुछ भी हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं तो वो एक लिमिट होता है, ठीक है? हम लोगों के माइंड में जो चीज़ें याद रखने वाली होती हैं वो एक लिमिट तक होता है, बट कंप्यूटर ऐसा है, ठीक है, स्टोर तो करता है बट उसका जो कैपेसिटी है वो मैन की कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? कंप्यूटर खुद से तो थिंक नहीं कर सकता है, मैन थिंक्स ओन, ओके? मैन की एबिलिटी होती है वो थिंक कर सकता है, बट जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कंप्यूटर की मैन से बहुत ज़्यादा है. इसमें काफ़ी डेटा स्टोरेज कर सकते हैं और वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक उसमें सेव रहता है, ओके? सो द सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स थ्रू इनपुट यूनिट्स एंड स्टोर्स इन द इट्स अ मेमोरी एंड ऑल्सो इट्स अ सीपीयू इज़ लाइक आवर ब्रेन एंड द कंप्यूटर ऑल्सो यूजेज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन. सो एज आई टोल्ड यू, वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स विद द टाइम. हम लोग कुछ समय के बाद कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, बट द कंप्यूटर रिटेन द स्टोर्स डेटा फॉर अ ईयर. दिस डेटा कैन बी रिट्राइव फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी वेन नीडेड. हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी से उस डेटास को रीड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसमें स्टोर रहता है, ओके? बिट्स एंड बाइट्स. सो व्हाट इज़ दिस बिट्स एंड बाइट्स? लेट्स सी द टर्म. अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स, ऑन रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो. कंप्यूटर सिर्फ टू डिजिट को समझता है, ठीक है? ज़ीरो एंड वन. ज़ीरो और वन इसको बाइनरी नंबर कहते हैं, ओके? बाइनरी डिजिट होते हैं ज़ीरो और वन, और बाइनरी डिजिट ऑल्सो इट्स कॉल्ड बिट्स. इसको बिट्स भी बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स, ओके? बाइट्स. बाइनरी डिजिट्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड बिट्स, बट जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो डेटा हैं 01 01 01 इस तरह के फॉर्म में कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर होते हैं. तो ये जो सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन हैं उसको किस तरह से मेज़र किया जाता है? बाइट्स के फॉर्म में. बाइट्स के फॉर्म में उसको मेज़र किया जाता है. एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी.
जो कंप्यूटर हैं, सभी कंप्यूटर की अलग अलग मेमोरी होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ह्यूमन, ह्यूमन में भी जैसे किसी की कैपेबिलिटी होती है ना बहुत ही ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों को वो याद रखता है, बट ऑल ऑफ दैट नॉट, सब में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी पावर होती है। सो इन कंप्यूटर, बट इट इज़ अ मशीन, नॉट लाइक अस, ये मशीन है और इसको इसी तरह से अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, मेमोरी कैपेसिटी होती है इनकी, जिसकी जैसी नीड होती है, जिसको जिस तरह की नीड होती है वो उस तरह का कंप्यूटर परचेज करता है। सो एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अ कंप्यूटर कैन रन एट अ टाइम एंड हाउ फास्ट दिस प्रोग्राम्स विल रन। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। जो कंप्यूटर के मेमोरी की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें ये सारे डेटाज स्टोर होते हैं, बाइनरी डिजिट्स 0101, बाइनरी डिजिट्स इज ऑल्सो कॉल्ड बाइट्स, बट द ऑल इंस्ट्रक्शन दैट इज मेजर्ड इन बाइट्स के फॉर्म में, जिसको मेज़र करते हैं। जस्ट लाइक इन दिस मेमोरी साइज चार्ट यू कैन सी 8 bits, जब 8 bits होते हैं दैट मीन्स 0101 0101, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 8 digit होते हैं तो इसको ये किसके बराबर होता है, 1 byte के बराबर। ओके, सो 1024 bytes इक्वल टू 1 kilobyte, 1024 kilobyte इक्वल टू 1 megabyte, 1024 megabyte इक्वल टू 1 gigabyte। इन दिस फॉर्म दैट कंप्यूटर मेमोरी साइज इज फॉर्म। ओके, इस तरह से मेमोरी साइज होता है, अलग अलग कंप्यूटर के मेमोरी की कैपेसिटी इस तरह से डिवाइडेड होती हैं। ओके, सो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स, मेमोरी क्या उसका टाइप, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का मेमोरी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी हियर इन दिस डायग्राम वी कैन सी प्रॉपरली मेमोरी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इस तरह से 2 पार्ट में। इंटरनल मेमोरी में रैम एंड रोम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके, एंड द सेकेंड मेमोरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज एक्सटर्नल एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी भी इसको कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 parts, दैट इज हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश डिस्क, दीज आर द डिवाइसेस इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, नाउ लेट्स सी इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ बिल्ट इन मेमोरी डिजाइंड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। ओके चिल्ड्रेन, वाइल कंप्यूटर इज वर्किंग, जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है तो किस तरह का मेमोरी उसको सपोर्ट कर रही है, इंटरनल मेमोरी। ओके, इंटरनल मेमोरी इज सपोर्टिंग द डिवाइस एंड द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है कंप्यूटर मेमोरी जब ऑफ हो जाता है तो इंटरनल मेमोरी में जो भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस यूज़ किया था वो सारे क्या होते हैं, इरेज हो जाते हैं। ओके, वो वहाँ से इरेज हो जाते हैं। इट्स लाइक अ बोर्ड, बोर्ड पर क्या होता है, जब बोर्ड का यूज़ होता है तो उस पर लिखना, जितना लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसको रब करते हैं उससे डेटा सारे क्लियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एज अ सेम दैट कंप्यूटर वर्क्स, और जब काम कर रहा है तो वो इंटरनल मेमोरी का यूज़ कर रहा है, वहाँ पर वो डेटा स्टोर भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो टर्न ऑफ होता है तो वो वहाँ से डेटा इरेज हो जाते हैं। इट ऑलवेज इरेज ईजियर टू एक्सेस डेटा प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एज इट इज़ फास्टेस्ट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी इज 2 type, रैम। ओके, जैसा मैंने अभी बताया, इंटरनल मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts, रैम एंड रोम।
RAM. It stores the information temporarily and works like a blackboard, which can be constantly overwritten with new data. The information stored in the memory is lost when you turn off the computer or the power goes off. जैसा कि मैंने अभी बताया, okay? It's like a calculator. Calculator आपने देखा होगा. तो क्या होता है उसमें, जब हम लोग कैलकुलेटर ऑन करते हैं तो उस पर हम अपना वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर सॉरी कैलकुलेटर को टर्न ऑफ करते हैं तो उसमें से जितने भी डेटा जो भी हम लोगों ने ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे, वो क्या होते हैं, सारे डिसअपियर हो जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल मेमोरी इज रॉम, रीड ओनली मेमोरी. इट होल्ड्स द स्टार्टअप instructions that prepare a computer for use. It also consists of programs that check the proper working of all computer part. When you turn on a computer, the instructions stored in ROM cannot be changed but can only be read. It retains the stored information even when the power is switched off. So children, ROM is like an audio disk which can be played but we cannot record anything on it excepted in a few selected circumstances. So ROM is like audio disk. जैसे हम किसी audio disk को play करते हैं तो उसमें जो stored क्या है, song है, सॉन्ग को हम लोग सुन पाते हैं लेकिन उसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हैं. तो उसी तरह से कंप्यूटर का मेमोरी का जो रोम है, इंटरनल मेमोरी का पार्ट रोम, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले से प्रिपेयर्ड करके डाले हुए हैं, और ये इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं वो इस तरह के लिखे होते हैं कि कंप्यूटर का जो पार्ट्स है वो सारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली. अगर किसी भी टाइप की फॉल्ट आती है तो ये वो चेक कर लेता है, रोम के थ्रू वो चेक होती है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलते हैं. ओके, नाउ कम टू द एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी दैट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड फ्लैश डिस्क. ओके, सो चिल्ड्रेन, एक्सटर्नल मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. डेटा इज नॉट lost in the external memory even when the computer is turned off. External memory में अगर हम data store करते हैं तो ये long period के लिए इसमें store रहता है, और इसमें कोई ऐसी problem की बात नहीं होती है. जैसा मैंने बताया कि जैसे internal memory का हम लोग RAM use कर रहे थे तो उसमें computer जैसे ही हम लोग ऑफ़ करते हैं वो डेटा सारे इरेज हो जाते हैं, बट एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा अगर स्टोर कर लेते हैं हम लोग तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी. ओके, स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ यूजिंग फॉर दिस एक्सटर्नल मेमोरी. स्टोरेज इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप थिंग्स इन आर डेली लाइफ. वी यूज़ मेनी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक कबर्ड, बुक शेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग एक्सेट्रा. हम लोग भी स्टोरेज डिवाइस ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हम जिस तरह की जो भी नीड होती है, कबर्ड में क्या रखना है, बुक शेल्फ में तो बुक ही रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में जो भी फूड आइटम्स है वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं. तो दीज आर द स्टोरेज प्लेसेस हमारे घरों में होता है. इसी तरह से स्टोरेज डिवाइस भी है कंप्यूटर में. सो इट्स अ वेरियस टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट वेरी इन स्टोरेज कैपेसिटी ऑल्सो, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD एक्सेट्रा. सो दीज आर परमानेंट और नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, परमानेंट है ये स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट है, इसमें डेटा हमारे रेज होने का कोई टेंशन नहीं है. व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इट इज़ कॉपीड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द इंटरनल मेमोरी. जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का जो स्पेस है वहाँ से फाइल हमारा कॉपी होकर आता है इंटरनल मेमोरी में. एंड इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल मेमोरी. ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है एक्सेस होने में, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है सेकेंडरी मेमोरी में से वो सारी चीज़ें दिखाने में. तो इसलिए हम लोग
एक्स्ट्रा डिवाइसेस का यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए. सो व्हाट आर दैट एक्स्ट्रा डिवाइसेस आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास. जस्ट रिवाइज योर चैप्टर. दिस इज़ फॉर टुडे ओनली. थैंक यू.